नैब की टीम का अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ के घर पर छापा। नैब की टीम का 96H मॉडल टाउन पर छापा, रेड बगैर सर्च वारंट के की गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि नैब की टीम की जानिब से अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ के घर पर छापा मारा गया है। नैब की टीम का 96H मॉडल टाउन पर छापा मारा गया, रेड बगैर सर्च वारंट के की गई है। मजीद बात करेंगे अरसलान रफीक भट्टी से। अरसलान, ये तो बहुत बड़ा छापा है और इतला थी, कुछ पता चल सका इस हवाले से? क्या खबरें आपके पास? अभी कुछ देर पहले जो है नैब की टीम पहुंची है। 96 जो अपोजिशन लीडर जो है मियां शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मियां हमजा की अपनी रिहाइश का है, वहां पर अभी तक कुछ नहीं बताया जा रहा कि ये टीम क्यों आई है, क्या करने आई है, लेकिन ये जरूर है कि उन्होंने छापा मारा बगैर किसी वारंट के। यही चीज उनके सिक्योरिटी गार्ड ने पूछी तो उन्होंने उनको पूछने का उन्होंने कहा कि हम तो आपसे बात करेंगे, तो अभी तक कोई मालूम नहीं हो सका। अभी जो है कुछ देर पहले वो टीम पहुंची और वहां पे वो जो है अभी तक ये लड़ाई झगड़ा इस बात पे हो रहा है कि वो क्यों अंदर आए हैं और किस तरह वो अंदर आए और किस तरह बगैर वारंट के वहां पर पहुंचे। जी अरसलान रफीक, क्या ये कंफर्म हुआ कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो है वो 96H में ही मौजूद हैं? जी, मियां शहबाज शरीफ और मियां हमजा दोनों ही जो है वो 96H मॉडल टाउन में मौजूद है और वो उनसे यही पूछने की दरियाफ्त कर रहे हैं कि वो किसको किसके लिए आए हैं, कि कौन सा केस है, किस तरह यहाँ पर पहुंचे हैं और बगैर वारंट बगैर इतला के वो किस तरह यहाँ पर आ सकते हैं। लेकिन वहाँ पे टीम और जो उनके सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उन्होंने उनको रोका हुआ है और उनकी जो है उनके पर खिलामी भी हुई है और उसके साथ साथ जो है उनकी जो सुनने में आया है कंफर्म नहीं है कि उनको टीम को दोनों तरफ जाने से धक्के दिए एक दूसरे को दिए गए और सख्त अल्फाज का तबादला भी किया गया, लेकिन अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि वो किस केस में यहाँ पर आए हैं, क्यों आए हैं, ये कुछ मालूम नहीं हो पा रहा। जी ठीक है, हमारे साथ अरसलान रफीक भट्टी रहिएगा, मुजाहिद शेख भी हमारे साथ मौजूद है। मुजाहिद, बिना बताए बगैर सर्च वारंट के ये छापा मारा गया है, क्या ये कानून की खुलम खुला खिलाफ वर्जी नहीं है? अब तक की इतलात है उसके मुताबिक के नैब की टीम ने 96H मॉडल टाउन पर रेड किया है और वहां पर अभी नैब की टीम जो है मौजूद है, लेकिन अभी किसी किस्म की जो मजीद इतलात है वो मौसूल नहीं हुई है और जो इसके मुस्लिम लीग नून के जो तर्जमान है उनका ये कहना कि हुकूमत ने बहुत गलत काम किया है और गलत इकदाम किया है कि बगैर इतला के बगैर किसी वारंट के जो है वो साबिक वजीर आला जो शहबाज शरीफ है उनके घर पर छापा मारा गया और इस वक्त पंजाब असेंबली में जो अपोजिशन लीडर है हमजा शहबाज वो भी 96H मॉडल टाउन में ही मौजूद है और शहबाज शरीफ जो है वो भी वहीं पर मौजूद है और छापा जो है वो नैब की टीम ने मारा है और लेकिन जो उनके जाती गार्ड है शहबाज शरीफ के और हमजा शहबाज के उन्होंने नैब की टीम को भी रोके हुए हैं और उनसे ये तलब किया जा रहा है कि आप किस कानून के तहत या किस हैसियत से जो है इस घर के अंदर दाखिल होना चाह रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें किसी किस्म की जो है इतलात मजीद जो है वो आगाह नहीं किया गया है। जी।